हेलो एवरीवन, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के बेस्ट कोरियोग्राफर एंड डांसर टेरेंस लुइस की लाइफस्टाइल, एज, एजुकेशन, फैमिली, कार कलेक्शन, नेटवर्थ और इनकम के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप टेरेंस लुइस के फ़ैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है टेरेंस लुइस और प्रोफेशन से कोरियोग्राफर एंड डांसर हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 48 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंचज है। इनका आई कलर लाइट ब्राउन और हेयर कलर लाइट ब्राउन है और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलियन से क्रिश्चियन हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो टेरेंस ने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट टेरेसा बॉय हाई स्कूल मुंबई से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई सेंट जावियर कॉलेज मुंबई से की, जहां पर इन्होंने 11th और 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की और साथ ही अपने आगे की पढ़ाई इन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट दादर मुंबई से की, जहां पर इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। साथ ही साथ इन्होंने साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मुंबई से की। साथ ही साथ इन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग फिटनेस यूएसए से ट्रेनिंग ली है। टेरेंस हमेशा एक एक्टर बनना चाहते थे। स्कूल के दिनों में वह थिएटर किया करते थे। वह अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में ब्रिलियंट थे और अपने स्कूल के हेड बॉय थे। उन्होंने युवावस्था में कभी डांस नहीं सीखा। डांस स्वाभाविक रूप से उनके पास था। वह एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके फादर ने कहा कि जब वह 15 साल के होंगे तो वो उनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे। जब वे एक बच्चे थे तो वह अपने परिवार के साथ मुंबई में एक चौल में रहते थे। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डांस में कैरियर बनाने के सोचा। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने एलविन एले अमेरिकन डांस थिएटर और मार्था ग्रामन सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी डांस से जैज, बैलेट और समकालीन डांस में अपना डांस की ट्रेनिंग पूरी की। वह मुंबई में अपनी खुद की डांस एकेडमी टेरेंस लुइस कंटेम्प्रेरी डांस कंपनी चलाते हैं। वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे कमाने के लिए डांस ट्यूशन दिया करते थे, लेकिन उन्हें शायद ही कोई डांस स्टूडेंट मिला, इसलिए उन्होंने महिलाओं को एरोबिक पढ़ाना शुरू किया और एक पॉपुलर फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गई। वह बिपाशा बासु, अमीषा पटेल, सुष्मिता सेन, माधुरी दीक्षित, गौरी खान, सुजैन रोशन, अंबानी आदि जैसे फेमस सेलिब्रिटी को फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे। टेरेंस ने एज ए कोरियोग्राफर बॉलीवुड मूवी लगान से साल 2002 में अपने कैरियर की शुरुआत की, जहां पर इनको अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड भी दिया गया। साथ ही साथ टेरेंस ने 25 से ज़्यादा मूवियों एंड म्यूजिक एल्बमों में काम किया, जिन मूवियों के नाम हैं गोलियों की रासलीला, रामलीला एंड गोल्ड। और एज अ जज टीवी में डेब्यू किया था इन्होंने डांस इंडिया डांस सीजन 1 से, जो कि साल 2009 में आता था। और उसके बाद ये डांस इंडिया डांस सीजन 2 में भी दिखे थे। और एज अ जज ये काफ़ी सारे डांस रियलिटी शो में काम कर चुके हैं, जिनके नाम हैं डांस इंडिया डांस सीजन 3, नच बलिए 5, नच बलिए 6, डांस इंडिया डांस सुपर मॉम 2, सो यू थिंक यू कैन डांस, नच बलिए सीजन 8, डांस चैम्पियन, इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 1, इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 और अब ये साल 2023 में इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 में भी हैं, जहां पर इनके साथ हैं सोनाली बेंद्रे एंड गीता कपूर। तो हमको कमेंट करके बताना कि टेरेंस लुइस आपको कैसे लगते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एज अ कंटेस्टेंट कलर्स टीवी के फेमस शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 में पार्टिसिपेट लिया था, जो कि साल 2010 में आया था। साथ ही साथ इनकी एक बायोपिक डॉक्यूमेंट्री भी है टेरेंस लुइस इंडियाज मैन। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम जावियर लुइस है।
इनकी मदर का नाम टेरेसा लुइस है और ये 7 भाई बहन हैं। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं तो ये अनमैरिड और इनकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम सैंतानी घोष था और करंटली ये सिंगल हैं। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं तो इनको डांसिंग, एक्टिंग, ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं तो इनके फेवरेट एक्टर हैं गोविंदा, फेवरेट एक्ट्रेस हैं माधुरी दीक्षित। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं, तो ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं तो हम आपको बता दें इनके पास फर्स्ट कार है ओडी की A5, सेकंड कार है मर्सिडीज बेंज GLS एंड थर्ड कार है लैंड रोवर रेंज रोवर। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं तो ये लगभग 10 से 12 लाख रुपए पर जज का चार्ज करते हैं, साथ ही साथ एक सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने का लगभग 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 160 करोड़ रुपए है। तो ये थी टेरेंस लुइस की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।